नमस्ते, माय यूट्यूब चैनल लड्डू बाबू HD में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं और एक न्यू ब्लॉग पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में आप लोग देख के पता चल गया होगा आज हम लोग ब्लॉग में क्या बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं लौकी का हलवा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारे घर में कितने बड़े बड़े लौकी हैं, देखिए इधर कितने सारे लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी में हम लोग जो छोटा छोटा था वो काट लिए हैं, देखिए इसको अब घर ले जाएंगे। चलिए इसका फटाफट हम लोग लौकी बनाते हैं। और इधर देखिए लौकी खा रहा है लड्डू बाबू, कच्चा ही खा जा रहा है देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हमारे ब्लॉग पे आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और चलिए देखते हैं हम लोग लौकी का हलवा फटाफट कैसे बनाते हैं। चलिए तो इसको हम लोग सबसे पहले लौकी को छील लेते हैं फटाफट। देखिए कितना आसानी से, कितना एकदम खिंचा है लौकी, फटाफट छील जा रहा है। छीलने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है छीलने में। देखिए एकदम छोटा सा है हमारा आज का लौकी का हलवा, बहुत ही अच्छा बनेगा, एकदम सॉफ्ट। तो देख सकते हैं हमारा लौकी छील गया। तो हमारा एक लौकी पूरी अच्छी तरह से छील लिए हैं, अभी दूसरा भी लौकी छील लेते हैं, इसके आगे पीछे हटा लेते हैं। देखिए ये भी अच्छी तरह से। तो आज का हमारा लौकी का हलवा खा के कि सबको कैसा लगता है देखते हैं। आगे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे। तो चलिए देखते हैं हमारा बाबू को कैसा लगेगा आज का लौकी का हलवा। तो लौकी को अच्छी तरह से धो लेते हैं। फाइनली इसको पूरा अच्छी तरह से धो लिया है, अब इसको काट लेते हैं। देखिए कितना ही कच्चा है और एकदम कितना फ्रेश है। देखिए इसको फटाफट हम लोग काट लिए, अब इसको कद्दूकस कर लेते हैं। इसको छोटा वाला में करेंगे ताकि ये अच्छा से पक सके लौकी। तो इसमें अब कद्दूकस कर लेते हैं फ्रेंड्स इसको। तो देखिए हमारा कद्दूकस कितना अच्छा हो रहा है, देखिए। इसको बड़े वाला में नहीं करेंगे ताकि ये अच्छा से ये नहीं पकेगा, तो इसको छोटा वाला में ही कर लेते हैं। फटाफट इसको इसमें बना लेते हैं। तो देखिए हमारा इसमें एक भी दाना नहीं है। इसमें ज़्यादा दाना नहीं है, एक दो दाने हैं, तो इसको हम चुन के इसको हटा देंगे। तो देखिए लौकी को कद्दूकस कितना बारीकी से, कितना अच्छा तरह इसमें हो गया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम सारा कद्दूकस कर लिए हैं लौकी को, अब इसको अच्छी तरह से इसको पका लेते हैं चूल्हा जला के। तो देखिए मेरी सास चूल्हा जला दे रही है, इंतजार कीजिए थोड़ा सा और आ...
आप लोग यहाँ लौकी का हलवा बन के तुरंत तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा चूल्हा जल गया, लौकी में निकला था वो कम हो गया है, तो अब हम लोग इसमें डालेंगे घी डालेंगे। देखिए ये हमारा पतंजलि का शुद्ध घी है, इसको अब हम लोग फाड़ लेते हैं बेकिंग से। अच्छी तरह से फाड़ लेते हैं, ये फरा नहीं रहा है। अब हम लोग इसमें डाल देते हैं घी ताकि ये अच्छा से पक जाए। देखिए इसमें डाल दिए हैं घी, और थोड़ा डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं लौकी में। तो देखिए ये कितना अच्छा इस घी का फ्लेवर आ रहा है। थोड़ी ही देर में हमारा लौकी का हलवा बनके तैयार हो जाएगा। देखिए हाथ से बनाने में इससे कोई भी रेसिपी का स्वाद चार चांद लग जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा लौकी घी में अच्छी तरह से मिल गया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार गुड़, चाहे तो आप लोग इसको चीनी से भी बना के खा सकते हैं। तो आज हम लोग जो है सो बना रहे हैं गुड़ से। तो हम लोगों का ब्लॉग में लौकी का बर्फी भी रेसिपी देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो देखिए अब हम लोग इसमें डाल रहे हैं गुड़। तो इसको थोड़ा कटिंग कर लेते हैं। गुड़ डाल देंगे तो ये जो लौकी का कलर है ये चेंज हो जाएगा, ये तो ग्रीन है लेकिन अब इसमें ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो इसमें हम लोग डाल देते हैं। तो देखिए तो फ्रेंड्स हलवा को 15 मिनट लगभग 10-15 मिनट इसको फ्राई कर लिए हैं। देखिए इसमें सब पानी खत्म हो गया है। देखिए आँच तेज है तो ये अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें हम लोग तो डाल देते हैं ड्राई फ्रूट वगैरह जो खाने में और टेस्टी बढ़ाएगा। तो देखिए तो हम इसमें डालेंगे काजू, अब हम लोग इसमें डालेंगे किशमिश। देखिए अब इसमें हम लोग डाल देते हैं किशमिश।
तो ये पक गया है, अभी इसका आग जो है जरूरत खत्म, अब इसको निकाल देते हैं। इसमें पानी डाल देंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा लौकी का हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो मेरी सासू माँ को देख के देखते हैं जो मेरी सासू माँ को अच्छा लगता है कि नहीं। तो चलिए इनको एक चम्मच खिला के देखते हैं। ये ठंडा हो गया है, देखिए मेरी सासू माँ बोल रही है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ देखिए इनको बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। देखिए आप लोग भी आके खा सकते हैं आज का हमारा लौकी कद्दू का हलवा। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा कैसा लगा, आप थोड़ा मैं भी खा के देख लेती हूँ मेरी सास झूठ बोल रही है कि सच में बोल रही है। तो देखिए बहुत ही अच्छा बना है फ्रेंड्स, एकदम तिलकुट से भी अच्छा, एकदम कुरकुरा, बहुत ही टेस्टी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग में हमारा इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब जय जय माँ चिन्नमस्तिका, जय झारखंड, बाय बाय।